जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग के डील करेंगे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 21 को, जो रेलिवेंट है आपका एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ। ठीक है, FOH वेरियंस एनालिसिस का हम लोग टॉपिक अकॉर्डिंगली कंटिन्यू किया हुआ है हमने। और 21 एंड 22 आपके दो क्वेश्चन हैं जो उनसे आपके एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ से रेलिवेंट है, तो देखते हैं इसको। बजटेड फिगर्स एज टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 20 आर गिवन बिलो। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ₹1,94,000, ये जी फिक्स्ड आपके FOH आती हैं। वेरिएबल FOH आपके हैं 3,34,800। बजटेड वॉल्यूम या एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपकी आगे 54,000 यूनिट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20 आर एज अंडर। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपकी है 50,000 एंड एक्चुअल वॉल्यूम एक्चुअल कैपेसिटी आपकी है 5,000 यूनिट्स। ठीक है, आपको उसने वन मंथ की कैपेसिटी दे दी है, आपने उसको उसके मुताबिक ही एक्चुअल एक्टिविटी को आपने फाइंड करना है। सो आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले जी आपका है ओवरऑल वेरियंस, कैपेसिटी वेरियंस एंड स्पेंडिंग वेरियंस। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको सोल्व करने से पहले ये देख लेना है जी, क्योंकि आपका ये टॉपिक है एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ का। देखें, ऊपर जो उसने आपको डाटा दिया है फिक्स FOH का, वेरिएबल FOH का और एस्टिमेटेड या फिर नॉर्मल कैपेसिटी का, वो आपका है ईयरली। जबकि जो उसने आपको नीचे डाटा दिया है जस्ट लाइक आपका FOH कॉस्ट है, यानी कि जो आपकी एक्चुअल FOH है और एक्चुअल कैपेसिटी आपकी है या आपके वन मंथ के। तो सबसे पहले आपने ईयरली कॉस्ट वगैरह को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है। आफ्टर कन्वर्टिंग आपने इनको सोल्व कर लेना है, ओवरऑल वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो उसका हम सॉल्यूशन को देखते हैं फिर। जी तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 21 गिवन बिलो है। डाटा आपका है कन्वर्जन ऑफ एस्टिमेटेड ईयरली आइटम्स इन टू मंथली। सबसे पहले हमने करना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1,94,400 की है। पहले आपने इसको कन्वर्ट कर दिया कि 12 को आपने इसको डिवाइड किया 12 पर, तो आपके आगे 16,200। उसके बाद आपने नॉर्मल कैपेसिटी 54,000 थी, आप इसको डिवाइड किया 12 पर, आपके आगे 4,500 यूनिट्स। देन वेरिएबल कॉस्ट को आपने 3,34,800 को डिवाइड किया आपने 12 पर, आपके पास आगे 27,900। पहला आपने काम ये कर लिया। आफ्टर कन्वर्टिंग आपने इनका डाटा जैसे आप लिखते हो तो आपने वैसे लिख दिया। फिक्स कॉस्ट आपकी 16,200, नॉर्मल कैपेसिटी 4,500 यूनिट्स, अप्लाइड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड FOH डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो एस्टिमेटेड FOH निकालने के लिए आप वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करते हो, तो डिवाइड कर देते हो टोटल नॉर्मल कैपेसिटी पर। तो 16,200 प्लस 27,900 आपने किया, तो डिवाइड कर दिया आपने 4,500 यूनिट्स पर, तो आपके पास आगे 9.8 पर यूनिट अप्लाइड रेट। ठीक है, आफ्टर दिस वेरिएबल रेट आपने फाइंड करना, तो एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये 27,900 है। उसके बाद आपने डिवाइड किया 4,500 पर, आपके पास आ गया 6.2 पर यूनिट। जी तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी एक्चुअल कैपेसिटी आपने लिख दी 5,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल FOH 50,000। उसके बाद आपने सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल वेरिएंस फाइंड करें, आपने ओवरऑल वेरिएंस फाइंड किया, तो अप्लाइड FOH को आपने ऊपर रखा और एक्चुअल FOH को आपने नीचे रखा। और अप्लाइड FOH निकालने के लिए अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी, अप्लाइड रेट आपके पास 9.8 पर यूनिट था और 5,000 यूनिट्स आपकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 49,000। देन आपने एक्चुअल FOH देखे जो कि आपके साल के आखिर में इनकर हो चुके हैं। अप्लाइड FOH मतलब आपने शुरू में जितने अप्लाई किए प्रोडक्शन ने, देन आपने आखिर में देखा तो आपके इतने अप्लाई हुए थे, दैट मींस आपका 1,000 अंडर अप्लाइड है। अप्लाइड आपके कम थे और एक्चुअल आपके ज्यादा थे। तो उसके बाद आपने निकालना है कैपेसिटी वेरियंस। कैपेसिटी वेरियंस निकालने के लिए आपने अप्लाइड FOH को ऊपर रखना होता है, एस्टिमेटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेंड को आपने नीचे रखना है, और एस्टिमेटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेंड आपकी निकलती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर निकालने के लिए आपने सिंपली वेरिएबल रेट को मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल कैपेसिटी से, तो वेरिएबल रेट आपके पास 6.2 पर यूनिट है और मल्टीप्लाई आपने की एक्चुअल कैपेसिटी 5,000 यूनिट से, तो आपके पास जो भी है आपने उसको प्लस किया 16,200 से,
47,200 आ गया। तो कैपेसिटी वेरिएंस आपने देखा, आपकी कैपेसिटी जो थी वो 49,000 यूनिट्स की थी, लेकिन जो आपने एस्टीमेट लगाया था कैपेसिटी अटेन करने का वो 47,200, मतलब आपका जो बैलेंस आया 1800 को फेवरेबल आ गया। देन आपने स्पेंडिंग वेरियंस देखना है, और स्पेंडिंग वेरियंस में आपने याद रखना है, आपने इसको देखना होता है एक्चुअल के साथ, यानी कि एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड आपने ऊपर रखनी है, और एक्चुअल एफओएच आपने देखना है नीचे रखना है 50,000 के। तो ये आपका बैलेंस आ गया इसका 2,800 अनफेवरेबल। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1021, यानी कि एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके इसी के प्रॉब्लम सेकंड की तरफ, 10 केस 22 प्रॉब्लम। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास इसी का 22 क्वेश्चन, एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ। एनुअल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ 60,000 पाउंड्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोस। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है, और नॉर्मली आपकी एक्सपेक्टेड, तो नॉर्मल कैपेसिटी उसकी 60,000 है, एंड फिक्स्ड ओवरहेड उसकी है रुपीज 4,50,000, वेरिएबल ओवरहेड उसकी है 11,25,000, आउटपुट इज 4,600 पाउंड्स इन जून, एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 1,25,000। देखें जी, उसने सिर्फ आपके वर्ड्स चेंज किए हैं, लेकिन काम वही है, 4,600 पाउंड्स हैं वो उसकी जून की एक्टिविटी है, मतलब उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है 4,600 यूनिट्स पाउंड्स, एंड एक्चुअल ओवरहेड या एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो है, ओवरहेड कॉस्ट उसकी एफओएच जो है 1,25,000। इसमें आपने चीजें फाइंड क्या करनी है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपने ओवरहेड रेट पर पाउंड फाइंड करना है, सेकंड है अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आपने फाइंड करना है, ओवरऑल वेरियंस किसको कहते हैं, और ओवरहेड रेट पर पाउंड का मतलब अप्लाइड रेट भी होता है, ठीक है, और स्पेंडिंग वेरियंस और आइडियल कैपेसिटी वेरियंस या कैपेसिटी वेरियंस एक ही बात है, वॉल्यूम वेरियंस। तो इसके हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ भी आपने वही काम करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में 1021 प्रॉब्लम के साथ किया था। तो एक्चुअल एक्टिविटी वन मंथ का ही क्वेश्चन है, पहले आपने कन्वर्ट कर लेना है इसको पर मंथ में। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 4,50,000 की आपने डिवाइड किया 12 पर, तो आ गया 37,500। उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 11,25,000 की, डिवाइड किया 12 पर, आपकी आगे 93,750, एंड नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 60,000 पाउंड्स की, आपने डिवाइड किया 12 पर, आपके पास आगे 5,000 पाउंड्स नॉर्मल कैपेसिटी आ गई, एक मंथली डाटा आ गया। अब आपको सिंपली डाटा को इस फॉर्म में ले आए, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 37,500, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 5,000 पाउंड्स, अप्लाइड रेट है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और एस्टिमेटेड एफओएच आपके निकलते हैं फिक्स्ड प्लस वेरिएबल को, एफओएच को प्लस करने से 37,500 आपके फिक्स थे और 93,750 आपके वेरिएबल, आपने डिवाइड किया इनको प्लस करने के बाद 5,000 पर, तो आपका आ गया 26.25 पर पाउंड। Then, आपने वेरिएबल रेट फाइंड करना है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, वेरिएबल एफओएच आपके हैं 93,750 डिवाइडेड बाय 5,000 एज नॉर्मल कैपेसिटी, तो आपके पास आ गया 18.75 पर पाउंड, ठीक है। देन एक्चुअल कैपेसिटी आपको गिवन थी 4,600 पाउंड्स, एंड एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल एफओएच आपके थे 1,25,000 इन रुपीज। जी तो क्लास, आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट ए है, ओवरहेड रेट पर पाउंड आपने फाइंड करना है, ठीक है। अप्लाइड रेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है आपका अप्लाइड रेट फाइंड करने का, इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और एस्टिमेटेड एफओएच यू नो बेटर, हम लोग फिक्स्ड प्लस वेरिएबल एफओएच करते हैं, तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल एफओएच आपने किया तो 37,500 प्लस 93,750, तो आपका ये आ गया 1,31,250, डिवाइड किया आपने 5,000 पर, तो ये आपका आ गया 26.25 पर पाउंड, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने किसका करना है जी, अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच, और वो फाइंड करने के लिए यू नो बेटर हम लोग पहले ऊपर रखते हैं अप्लाइड एफओएच, और अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए आपने अप्लाइड रेट को मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअल कैपेसिटी से, तो 26.25 इसका अप्लाइड रेट था और 4,600 इस पाउंड्स इसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, आपने आपस में मल्टीप्लीकेशन की तो 1,20,750 आपकी आगे अप्लाइड एफओएच, देन आपने इसको देखना है कंपैरिजन करना एक्चुअल एफओएच से, वो आपकी है 1,25,000 और ओवर, सॉरी ये आपका हो गया 4,250 अंडर अप्लाइड, ठीक है।
जी तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करने के लिए एस्टिमेटेड FOH4 कैपेसिटी अटेंड को आप ऊपर रखते हो और ये आपका निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 37,500, वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक एक्चुअल कैपेसिटी। हाँ जी तो 18.75 इसका वेरिएबल रेट था, 4,600 इसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी। आप इनको मल्टीप्लाई किया 86,250 आ गया, इसको प्लस किया 37,500 में, ये आ गया 1,23,750 और एक्चुअल FOH आपके यहाँ 1,25,000 के, तो आपका अनफेवरेबल बैलेंस आ गया 1,250। उसके बाद आपने आइडल कैपेसिटी वेरिएंस देखना है, तो अप्लाइड FOH को आपने ऊपर रखना होता है 1,20,750 और एस्टिमेटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेंड को आप नीचे रखना है 1,23,750, तो इसका आपका अनफेवरेबल बैलेंस आ गया 3,000 का आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का। अच्छा क्लास, इसके बाद ना एक मजीद इसमें एडिशनल भी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता चलूं। एक जैसे आप कह लें आपने कैपेसिटी वेरिएंस को और ओवरऑल वेरिएंस को अगर आपने चेक करना है आया आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया, तो उसको चेक करने के लिए भी कुछ तरीकाकार होते हैं। वैसे मैं आपको कोशिश करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तक हो गया है ना, मे बी वो आपको थ्रेटिकल क्वेश्चन पूछ ले या आपसे वैसे ही कह दे रिक्वायरमेंट कर ले कि आपने आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को ओवरऑल वेरिएंस को आपने चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए भी मैं आपको जरा इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ। हाँ जी तो क्लास ये आपकी है चेक करने के लिए कैपेसिटी वेरिएंस को, टू चेक द कैपेसिटी वेरिएंस डिफरेंस इन कैपेसिटी। देखिए जी कैपेसिटी आपकी दो ही तरह की चीज़ों बेटर, एक कैपेसिटी आपकी एक्चुअल है और दूसरी कैपेसिटी आपकी नॉर्मल है, ठीक है। आपने एक्चुअल में से नॉर्मल कैपेसिटी को लेस करना है, जो आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है फिक्स रेट से, और फिक्स रेट आपका निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास पड़ी गया 16,200 की, नॉर्मल कैपेसिटी 4,500 की, डिवाइडेड 3.6 आ गया, और 4,600 में से आपने माइनस किया 60,000 के आसपास आ गया माइनस 55,400, ठीक है। ये माइनस में आया, परेशान नहीं होना, माइनस में आ गया ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आपने किया 3.6 से, तो इसका आंसर भी माइनस में ही आया 1,99,440, जो कि आपका अनफेवरेबल आया है। पहली चीज थी आपकी ये कैपेसिटी वेरियंस को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास है ये दूसरी चीज टू चेक थी ओवरऑल वेरिएंस, और ओवरऑल वेरिएंस चेक करने के लिए आप कह लें वी कैन चेक बाय एडिंग दी स्पेंडिंग वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। आप स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस को आपस में ऐड करके देख सकते हो आया आपका ये ओवरऑल वेरियंस ठीक आया है या फिर नहीं आया। तो 1,250 आपका स्पेंडिंग वेरियंस है और 3,000 आपका कैपेसिटी वेरियंस है, आप इनको आपस में एडअप किया तो आपका आ गया 4,250, ये आपका क्या आया है अनफेवरेबल, ठीक है। उस पर रीजंस में आपने इसको बताना है कि आपका ये कैसे है। रीजंस में बताने के लिए आप कह लो कि ₹1,250 अकर्ड अनफेवरेबल ड्यू टू ओवर स्पेंडिंग। देखो ना अनफेवरेबल आ रहा है, दैट मींस कि वो ओवर स्पेंडिंग हो रही है, एंड ड्यू टू डिफरेंस इन कैपेसिटी, के डिफरेंस इन कैपेसिटी भी आई है, जाहरी बात है। एट रुपीज 3.6 बिल्कुल आपने डिफरेंस इन कैपेसिटी निकाली, और किस रेट पर आपने उसको मल्टीप्लाई किया 3.6 पर, सो आपका वो आंसर आया 1,99,440 का, तो अनफेवरेबल वेरिएंस आपका वो भी आ गया, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो आज क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपका था क्वेश्चन नंबर 10th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10, 21 एंड 22, जिसको जो रेलिवेंट था आपका एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ वन मंथ से, तो इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका वेरिएंस एनालिसिस, जिसमें अगर हमारे पास वेरिएबल रेट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड FOH कंप्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं, और अगर फिक्स्ड हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कंप्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।